टोटल ये 250 एकड़ को 14 घंटे में 12 घंटे में ये पानी लगा देता है। 250 एकड़ के लिए सिर्फ एक बोर? एक बोर चाहिए। 250 एकड़ को पानी लगाने के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं चोलिस्तान के एक ऐसे इलाके में एक ऐसा सिस्टम जिसकी मदद से गैर आबाद ज़मीन और ऐसी ज़मीन जहाँ पे के आज से एक साल पहले रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे उनको बगैर हमवार किए शानदार किस्म गंदम और सरसों की फसल उगाई गई है। इस ज़मीन के ऊपर कौन सा ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से ना सिर्फ ये शानदार फसल हुई है बल्कि इस फसल का खर्चा हमारी आम जो दूसरी रवायती फसल है उससे कम है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहरी निज़ाम नहीं है, खालों का सिस्टम नहीं है। आखिर ये सारा सिस्टम है क्या? यकीनी तौर पर यह वीडियो आप अगर पूरी तरह देखेंगे तो आप मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। ये सिस्टम लगाया है बहावलपुर में कैप्टन असद साहब ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन साहब से हम पूछेंगे कि ये आइडिया उनके जहन में कैसे आया, कहाँ से ये आइडिया उन्होंने लिया है, और उसके बाद ये यकीनी तौर पर ज़रात का एक इनकलाब होता हुआ नज़र आ रहा है बहावलपुर और ख़ासकर पाकिस्तान के ऐसे चोलिस्तान के इलाकों में। सर पहले तो ये बता दें ये कैसे आइडिया आपके जहन में आया और ये ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम जो आपने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया? ये मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं मेजर अब्दुलरहमान, सही, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया और ज़्यादा काविश तो उनकी है, मैं तो इधर उनको साथ सपोर्ट में था। तो वो अमेरिका होते थे, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के थे बंदे, तो उन्होंने ज़िम्मेदारे में आए तो उन्होंने फिर जिद्दत लेके आए सॉफ्टवेयर की तरह। बेसिकली मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 2017 से तकरीबन हमारा ये चल रहा था ये सिस्टम कि इसको हम पीवर सिस्टम को लेके आए इधर। तो फिर ये हमारा ख्वाब 2019 में पूरा हुआ, सही, और 19 में हमारा पीवर लगना शुरू हुआ और 20 में हमने पहली फसल इस पर लगाई हमने सनफ्लावर की, और हमारा एक्सपीरियंस ठीक रहा वो। और फिर अब हम इस पर वीट लगा रहे हैं, वीट लगाई है और इसमें सरसों लगाई है, सही, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ये। अभी हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो एक हमें एक नई दुनिया नज़र आई है ज़रात की, इन ऊंचे ऊंचे टीलों के ऊपर ऐसे, अगर मोबाइल के कैमरे में शायद आपको सही नज़र नहीं आएगा लेकिन बहुत दूर तक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फसल है। कैप्टन साहब से हम पूछेंगे कि इस फसल पे, इस फसल का और जो हमारे दूसरी फसल है इसका आप क्या फ़र्क, आपके नज़दीक कितना फ़र्क है और कितना फ़ायदा है इसका? इसका अभी देखें जी, मैं फ्लड पे भी इधर लगाता हूँ, फसल काश करता हूँ, लेकिन उसमें और इस फसल में बहुत फ़र्क है। इसमें एक कॉस्ट का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, पानी इधर कम लगता है, सही, और जो पेस्टिसाइड है वो कम लगती है, सही, जो खादे हैं वो कम लगाते हैं, और मुझे फसल पे है कि इंशाल्लाह ये उनसे बेहतर है जहां हम दो दो बोरी या ढाई ढाई बोरी इस्तेमाल करते हैं। इधर केजीज में फसल कर लगाते हैं हम खाद, और उसका फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि ये फोलियर शेप में सारी होती हैं खादें इसकी, तो फोलियर में जो है ना, हमेशा मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि हम फोलियर शेप में जो है ना फसल को ज़्यादा अच्छी खाद लगती है, जो एक हम ब्रॉडकास्ट करते हैं जो अपना छट्टा करते हैं उससे बेहतर रहता है, सही। तो ये खर्चा भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें, और फसल भी बेहतरीन है, फसल भी बेहतरीन है। अच्छा कैप्टन साहब, दूसरा हमने यहाँ पे देखा है कोई नहर नहीं है, कोई खाला नहीं है, और ज़मीन भी आपकी सारी हमवार नहीं है, उस साइड पे जाएं तो वो 15-20 फुट ऊंची है, यहाँ पे नीची है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें सिस्टम चलता कैसे? इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 7-8 फीट 10 फीट तक भी ऊँची नीची जगह को ये कवर कर लेता है। इसमें इतने वो सिस्टम लगा हुआ है कि ये 10 फीट ऊंचा है कोई टिब्बा तो दूसरी ज़मीन साथ ही जो 10 फुट नीचे है ज़मीन, फिर भी ये उसको कवर कर लेता है, सही है। अच्छा, और दूसरा इसके ऊपर आप, अभी हमने सरसों की फसल देखी है, बहुत अच्छी फसल करी है, यकीनी तौर पर आप भी देख रहे होंगे, उसके अलावा ये गंदम की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके अलावा आपका क्या प्लान है अगले सालों में इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी फसल? देखिए अभी हम भी इस पर नए हैं, अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्या क्या फसलें हैं। अभी हमने जो इस पर सर्च किया है वो तो साथ तमाम फसलें हैं, मकई की फसल है, गन्ने की फसल है, कॉटन भी हो सकती है इस पर, तो अभी देखते हैं अभी गर्मियों की क्या क्या चीज़ें इस पर आती है। इंशाल्लाह गर्मियों के जो फसल करेंगे काश्त उसमें इंशाल्लाह सनफ्लावर भी इस पर हमने काश्त करके दिया, उसका भी एक्सपीरियंस ठीक है, और कॉटन भी करेंगे इंशाल्लाह और गन्ना भी करेंगे। अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर जा रहा है। हमारी गंदम की ड्रिलिंग देख लें आप, बहुत अच्छी है, लेकिन हम इस सिस्टम से खुश बहुत हैं क्योंकि हमारा
टोटल ये 250 एकड़ को 14 घंटे में 12 घंटे में ये पानी लगा देता है। तो मैन पावर की भी कमी है इसमें, न उतनी मैन पावर भी नहीं चाहिए, एक से दो बंदे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको ऑपरेट कर लेते हैं और कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, इसके अलावा कैप्टन साहब आप हमें ये बताएं, वो इलाके जहाँ पे के नहरी निज़ाम नहीं है, जहाँ पे के पानी का निज़ाम नहीं है, और चोलिस्तान का ये बहुत बड़ा बेल्ट है हमारा 700-800 किलोमीटर के लिए, कितना इनकलाब आप देख रहे हैं आने वाले सालों में अगर ये सिस्टम चलता है और किसान इसको कैरी करता है तो? अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर ये लोग इस्तेमाल करें इसको, सेंट्रल पिवट सिस्टम लगाएं, और मुझे लगता है कि जितना डेजर्ट का एरिया है जहाँ पानी मीठा मिल जाए, तो ये इतना ज़रई इनकलाब ला सकता है हमारे इस डिवीज़न में, भालपुर डिवीज़न में, क्योंकि ज़मीनें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लोगों के पास ज़मीनें हैं, तो इधर ये तो इनकलाब आएगा ऐसे कि वीट जो हमारे मुल्क में बहुत कम, मतलब पिछले कितने सालों से हमारा जो चला आ रहा है, बरान चला आ रहा है, तो ये अगर हम सारे इलाके में ये लगा दें और लग जाए ये, तो कोई बंदा जो लगाना चाहे उसकी रहनुमाई के लिए हम भी हाज़िर हैं, बाकी महकमे भी हैं, वाटर मैनेजमेंट का महकमा, वो उनकी सपोर्ट से हमने ये लगाया तो सिस्टम लगाया, तो वो उनसे मिलें जाके, इनको चाहिए लोगों को जिनके पास ज़मीनें पड़ी हैं डेजर्ट में, वो ये सिस्टम अगर पानी मीठा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस सिस्टम से। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की मेरी वीट है अभी मैंने लगाई है जो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि ये जो वीट की शेप है इस हालत में, तो ये 50+ में आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखें। सही। और इसके अलावा आप जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो आपके साथ कितनी है इस सिस्टम को लगाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? हाँ जी, ये काफ़ी कॉस्टली सिस्टम है, तो मैं भी खुद अकेला नहीं लगा सकता था, ये वर्ल्ड बैंक के तावन से लगा है, और इसमें साथ वाटर मैनेजमेंट जो हमारा एक अदारा है, सही है, वो इसमें सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट का वही अदारा है जो इसमें सपोर्ट करता है, और फुली सपोर्ट करते हैं वो हर तरह से। अच्छा कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल वो ये है कि हमारे, आपने पहले थोड़ा सा बताया अभी इस बारे में, हमारे मुल्क में जो गंदम है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर उसका बुहरान ही चल रहा है, फार्मर्स को आपका क्या मशवरा है इस सिस्टम को? आपने यकीनी तौर पर यहाँ पर इंतहाई कामयाब रहा है, फार्मर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज यही है, अगर कोई एक बंदा नहीं लगा सकता तो इसमें 3-4 लोग 5 लोग 6 लोग मिल के सही है इसको, इस सिस्टम को लगा लें, ताकि वो ये इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। सही है, पानी की बहुत बचत, फसल बेहतर है, खर्चा कम है, तकरीबन 60-40 का फ़र्क है। पहले जो हम फ़र्ज़ करें कि 1000 की खाद लगती थी, तो अब वो हमारी 400 रुपये की खाद लग रही है, और फसल भी बेहतर है। तो अपने किसान भाइयों को मशवरा देता हूँ, अगर एक बंदा नहीं लगा सकता तो ये 2-4-5 लोग 6 लोग मिल के लगा लें। सही है, तो फ़ायदा होगा उनको बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैप्टन साहब ने खुद लगाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सिस्टम हम पूछेंगे कैप्टन साहब से, थोड़ा सा सिस्टम भी हम आपको दिखाएंगे कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है। तो कैप्टन साहब से हम ये पूछेंगे कि ये सिस्टम कम से कम कितने एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा कितने एकड़ पर इंस्टॉल होता है? ये मुख्तलिफ इसके साइजेज़ हैं, सही है, जो हम मुझे पता है वो तो यही है कि 250 एकड़ पर हमने लगाया हुआ है, एक सिस्टम 250 एकड़ पे, और ये कम ज़्यादा पे भी हो जाता है, अगर कम पे लगाएंगे वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही है, तो उसमें फिर वो गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं आएगी ना, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं आएगी तो अकेला बंदा इतने सिस्टम नहीं लगा सकता। सही है। अच्छा दूसरा ये बता दें, ये 250 एकड़ है, एक और सवाल इसमें ऐड कर दे तो वो हम सिस्टम भी दिखाते हैं कि इसमें कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं। सिर्फ एक बोर, एक बोर 250 एकड़ के लिए सिर्फ एक बोर, एक बोर चाहिए बस। ये तो 600 फीट का हमारा बोर है, और वो 8 इंच कुतर का उसमें पानी चलता है। सही है, ठीक है जी। सिर्फ एक बोर से, एक टरबाइन से 250 एकड़ को 12 घंटों के अंदर सहराब किया जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, हम आपको सिस्टम दिखाते हैं क्लोज से, और ये जैसे चल रहा है कैमरे में दिखाना इतना इसको आसान नहीं है, क्योंकि 10 एकड़ की लंबाई के ऊपर ये सिस्टम लगा हुआ है, तो कैमरे में दिखाना तो थोड़ा मुश्किल है, और ड्रोन कैमरा हमारे पास है नहीं। इंशाल्लाह इस वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा तो इंशाल्लाह ड्रोन भी होगा तब। थोड़ा सा कैप्टन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताते हैं। हाँ जी, अब हम आगे आ चुके हैं जहाँ पे कि ये सिस्टम सारा लगा हुआ है, तो कैप्टन साहब इस सिस्टम के बारे में बताएंगे कैसे सिर्फ एक टरबाइन के जरिए इस सारे 250 एकड़ को 14 से 12 घंटों के अंदर सराब किया जाता है। जी सर, ये मेरे जो लेफ्ट साइड पे है, ये देखिए इस साइड पे हमारे बोर है, जो नीचे सबमर्सिबल पंप चलता है इसमें, और ये पानी इस पाइप में ऊपर जाता है,
इस पाइप में ऊपर जाता है और आगे फिर सारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है पानी की, ठीक है जी। यहाँ से इसका पानी आता है और ये इसका कंट्रोल पैनल है मेरे लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। इस कंट्रोल पैनल से इसको सारे को ऑपरेट करते हैं, इसको मूव करने के लिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, मतलब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इसको हम चला सकते हैं दोनों साइड पे। और ये यहाँ से इसका सारा ये सिस्टम है जो जहाँ से हम इसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ से इसकी पेस्टिसाइड सारी और यहाँ से फर्टिलाइज़र और यहाँ से पानी सारा कंट्रोल होता है इसका। अगर कहा जाए कि ये मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ कितने बंदे चाहिए 250 एकड़ को पानी लगाने के लिए? सर सिर्फ एक बंदा, 250 एकड़ को पानी लगाने के लिए सिर्फ एक बंदा चाहिए और फुली ऑटोमेटिक है ये, इसमें कोई मैनुअल कोई चीज़ नहीं। मैनुअल कोई चीज़ नहीं है जी, मैनुअल इसका है कि जो ये जो हमारा अपना खादों के लिए जो ड्रम लगा हुआ है इसमें सिर्फ खाद डालने के लिए मैनुअल बंदा चाहिए बस, उसके अलावा ऑपरेट का इसको इसका एक ये स्विच दबा के बैठे रहना। कैप्टन साहब बहुत तफसील के साथ हमें समझा रहे थे ये सिस्टम चलता किस तरह है, इस सिस्टम के फायदे क्या हैं, कितने रकबे पे ये लगता है। यकीनी तौर पर आपने ये सारा इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ है। इस तरफ जी थोड़ा सा कैमरे को घुमाया और ये देखें ये पाइप जा रहा है ये दूसरी तरफ, उस तरफ भी जाएंगे, ये 10 एकड़ लंबाई के ऊपर ये जा रहा है जी। इसके नीचे टायर लगे हुए हैं और उन टायर के अंदर मोटर्स लगी हुई है जो जिनसे ये घूमता है और वो सारा यहाँ से कंट्रोल होता है मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक और ये यहाँ से घूम के आता है। अब यहाँ से ये इस तरह ये चलेगा जी, इस तरह घूम के आएगा वहाँ से होके फिर दोबारा जब ये यहाँ पे आएगा तो ये एक चक्कर हो जाएगा जो कि हमें कैप्टन साहब समझा रहे थे। मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटिक सिस्टम है जी, ये एक बटन के जरिए आप 250 एकड़ को पानी लगा लेते हैं, खाद भी लग जाती है, स्प्रे भी हो जाती है, मुकम्मल हर चीज़ हो जाती है। बिल्कुल सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिकली हो जाए, सिर्फ ड्रम में डालना और इसको चला देना और ये सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जी ये सारा कुछ हो जाएगा। यकीनी तौर पर ज़रात में और पाकिस्तान की जो चोलिस्तान की ज़रात में उसमें ये एक इनकलाबी सिस्टम आ रहा है। इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। वीडियो के आखिर में हम कैप्टन असद साहब के इंतहाई मशहूर हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फार्मर्स के लिए एक इंतहाई मालूमती वीडियो रिकॉर्ड करवाई। और यकीनी तौर पर ये वीडियो अगर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो जिनकी ज़मीन के जैसे कैप्टन साहब ने बताया कि डेजर्ट के अंदर पड़ी हुई है तो उनके ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर कोई भी बंदा विज़िट करना चाहता है तो उनके लिए कोई भी विज़िट कर सकता है, हमारे पास कोई भी बंदा ये विज़िट कर सकता है। बहावलपुर के साथ ये सिस्टम लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहावलपुर के अंदर सिर्फ कैप्टन साहब ने ये 5 सिस्टम लगाए हैं। इसके ऊपर सरसों की फसल भी लगी हुई है, वो भी यकीनी तौर पर आप वीडियो में देख रहे होंगे और गंदम के। और एक बात, इस वीडियो का पार्ट 2 हम अप्रैल में बनाएंगे जब ये गंदम हार्वेस्ट हो रही होगी। जब यहाँ पे हार्वेस्टर चल रही होगी तो कैप्टन साहब के तावन से हम दोबारा यहाँ पे आएंगे और वो आपको गंदम यहाँ पे तैयार गंदम ही दिखाएंगे कि इस पीवर सिस्टम के ऊपर गंदम किस तरह तैयार हुई है और उसका हम आपको दाना भी दिखाएँगे और मुकम्मल डिटेल के साथ एक और वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 का आप इंतज़ार करिए, पार्ट 1 वीडियो इसकी मुकम्मल होती है। मुझे ज़ुल्करन चट्ठा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।